अलैकुम। कल एक वीडियो गफूर भाई के पास आई जो अल्ताफ ने भी अल्ताफ की छत से किसी ने बनाई और गफूर भाई के पास आई, तो वो आल बल्दिया को चैलेंज कर रहा है। उसका चैलेंज कबूल है, वो आ जाए, पहले अपने आप को क्लियर करें। जो उस पर बैंड लगा हुआ है बैंड से क्लियर कर लें। आए मेरी छत से भी बाजी लगाए और हमारे ग्रुप से भी लगाए, इतनी बाजियाँ लगेंगी कि भागना मुश्किल हो जाएगा उसका। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जितने शौकीन हैं वो अगला वीडियो उन्होंने देखा होगा, उसको बराए मेहरबानी है ये हमारी वीडियो भी सीधे तरीके से देख लें, ठीक है ना। और चैलेंज उसने किया हुआ है जैसे पूरे बल्दिया को, बल्दिया में जितनी बाजियाँ हमने लगाई ना, इसने सोचा भी नहीं होगा। इसका चैलेंज कबूल है एक शर्त पे, अभी नईम ने बात की थी उससे, पहले इससे क्लियर करे खुद को, इस पर जो बैंड बैंड लगे हुए हैं इसने क्या क्या गलतियाँ की हैं बल्दिया के अंदर। इसके उस्ताद ने ही बोला इसको माफ़ करो, और इसके उस्ताद ने बोला इसके खातिर हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये माफ़ी किस चीज़ का मांगना चाहते हैं, ये गलतियों का? पहले ये खुद को क्लियर करेगा, इंशाल्लाह ताला बाजी इतने लगेंगे जो इसकी सोच में भी नहीं है। एक दफे पहले भी इसने बाजी का चक्कर किया हुआ था, इसने मुझे ही कहा था उस्ताद असलम आपसे बाजी नहीं लग सकती, हम बाजी लगाने वाले हैं, भागने वाले नहीं है। वाहिद असलम है, बात सुन ले, वाहिद असलम है बात। अस्सलाम वालेकुम। जिसने मुझे वीडियो ये भेजी ना चैलेंज की, वो पहले ये अंडे देख ले, उसके राज इन अंडों में छुपाया हुआ है। वो सोच ले कि अगर जब ये राज खुलेगा, अंडों का क्या राज है, फिर बाद में उसका मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा वो शख्स। बस इतना ही कहता हूँ। बाबा तो मौसम बहुत गर्म है भाई, इसी के लिए तो